जब भी आपने इस्लामाबाद आना हो तो आपको फैसल मस्जिद लाजमी विजिट करनी चाहिए। गाइस ये मस्जिद के एंटर होते ही अंदर के कुछ मनाजिर हैं। यहाँ पे इमामत होती है, ये इमाम की जगह है। मस्जिद तो बना दी पल भर में, ईमां की हरारत वालों ने, दिल अब भी पुराना पापी है, बरसों का नमाजी बन ना सका। अस्सलामुअलैकुम गाइस, होपफुली आप सब ठीक होंगे, अपनी ज़िंदगियों को एंजॉय कर रहे होंगे, मज़े में होंगे। बंदा इस्लामाबाद आए और फैसल मस्जिद ना घूमने जाए, ये कैसे हो सकता है? तो इसलिए हमने सोचा कि आज हम इस्लामाबाद में अगर आए हुए हैं तो फैसल मस्जिद का रुख करते हैं और वहाँ का एक डिटेल व्लॉग बना के आप सबको भी इंजॉय कराते हैं, और साथ एक खूबसूरत सी इसका इंटीरियर का भी व्लॉग बनाएंगे, बाहर का भी बनाएंगे। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं फैसल मस्जिद, और ये इसके साथ का नजारा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। ये साथ इतने लश ग्रीन हमारे पास माउंटेन्स हैं, और ये देखें ज़बरदस्त, दिस इज फैसल मास्क। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे विजिट करने के लिए आते हैं, तो चलिए हम इसको तसल्ली से सुकून से विजिट करते हैं। तो गाइज इंटर होते ही फैसल एवेन्यू में आपकी ये आ जाती है पार्किंग लॉट। यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह सारा कुछ आप पार्क कर सकते हो। कहीं कहीं किसी किसी जगह पे स्टैंड्स बने हुए हैं और प्रॉपर पार्किंग का निज़ाम है। और बाकी ये इसके आउटसाइड के मनाजिर हैं, ये सारा खूबसूरत लश ग्रीन इसके लॉन्स इन्होंने बनाए हुए हैं, और आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा तादाद में लोग इसको डेली विज़िट करते हैं। और इसके इस तरफ जो अभी मैं दिखा रहा हूँ दामन को है, इस तरफ सारा पहाड़ी सिलसिला है, वो भी मैं आपको एक अच्छा व्यू ले कर दिखाता हूँ। और ये खूबसूरत सी फैसल मस्जिद, इसको जूम करने की कोशिश करता हूँ। एक शानदार फन शाहकार फैसल मस्जिद, तो चलिए इसको मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ से इसकी इंट्रेंस शुरू हो जाती है, ये सारे इंट्रेंस के पास हैं, और ये मेन रास्ता है इंट्रेंस का, जो कि आपको सीधा फैसल मस्जिद के अंदर लेकर जाता है। ये बहुत इन्होंने वाइड बनाया हुआ है, क्योंकि काफ़ी दफ़ा टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा रश होता है। और चलिए फिर अंदर चल के इसको मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। ज़िया साहब हमारे साथ हैं, ज़िया साहब कैसा लग रहा है आपको? बहुत अमेजिंग, फैंटास्टिक। आज हम दोनों विज़िट करने आए हैं इसको, तो चलिए देखते हैं कि हमारा ये आज का व्लॉग कैसा रहता है। ये पहले टाइम में होता था कि DSLR लोग लेके खड़े होते थे, फोन से हर कोई बना लेता है, हर फोन में कैमरा है। नहीं भाई नहीं लगी, नहीं लगी। सही, कोई नहीं, चाहिए मैं अनदर ट्राई, फिर ट्राई करेंगे, कोई बात नहीं। हाँ लगी लगी लगी, नहीं लगी अभी, चलो नहीं लगी। मिस हो गया। ये इंट्रेंस है इसकी मेन, जहाँ से हमने इंटर होना है, और मास्क के मेन हिस्से में हम इंटर हो जाएंगे। वहाँ से आप देख सकते हो टूरिस्ट हजरात इंटर हो रहे हैं, यहाँ बाहर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं मुख्तलिफ चीज़ें लेके बेचने के लिए। तो अल्लाह इनको भी बहुत ज़्यादा रिस्क दे, माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं। तो गाइस ये मस्जिद की इंट्रेंस है, इंट्रेंस होते ही ज़बरदस्त ये फाउंटेन वाला सिस्टम बना हुआ इधर। ये इसके बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि फैसल मस्जिद किसने बनाई, और सारी चीज़ें जो कि मेंटेनेंस ना होने की वजह से ये देखें ना सारी ख़राब हो रही हैं, सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान की आवाम के लिए तोहफा है।
किंग फैसल ने ये बनवाई थी। तो ये इसके अंदर दाखिल होते ही अंदर के कुछ मनाजिर हैं, वहाँ पे आपके शूज़ इकट्ठे कर दिए जाते हैं। ये हमा वक्त भरी रहती है टूरिस्ट से और बहुत ज़्यादा रश रहता है यहाँ पे। यहाँ से ये ऊपर जाने के लिए है, ऊपर वाले उस फ्लोर पे, और यहाँ से मस्जिद के अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। इसमें मुख्तलिफ कंट्रीज से लोग विज़िट के लिए आते रहते हैं। तो मज़ीद हम इसको अंदर जाके एक्सप्लोर करते हैं। ये इंटर होते ही यहाँ का मस्जिद के अंदर अब हम आ गए प्रॉपर, नीचे से सीढ़ियाँ चढ़ के। तो इसके साथ ये लश करीम हमारे पास माउंटेन्स हैं, जो कि अभी अंधेरा हो गया है, इसकी वजह से इतनी अच्छी लाइटनिंग नहीं आ रही और मुझे सांस भी चढ़ गया सीढ़ियाँ चढ़ के। तो ये मस्जिद है, इसके मीनार माशाल्लाह फन तामीर का मुंह बोलता नमूना है। ये ज़िया है और ये यहाँ पे मैं हूँ। तो अगर आप लोगों को हमारा व्लॉग पसंद आ रहा है तो काइंडली शेयर कर दें, लाइक कर दें, और आपने अगर इसको विज़िट किया है तो कमेंट में बताएं आपको सबसे अच्छा क्या लगा इसमें। जब भी आपने इस्लामाबाद आना हो तो आपको फैसल मस्जिद लाजमी विज़िट करनी चाहिए। क्या कहते हो जा भाई? बिल्कुल यार, ये पाकिस्तान की वो खूबसूरत तरीन जगह में से एक है, ये खूबसूरत मस्जिद है। तो हमने सोचा कि साथ साथ आपको इसके बारे में भी बताते हैं और हम खुद भी इसको बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अगर आप लोगों का जिस किसी का भी चक्कर लगे तो लाजमी इस जगह को विज़िट करें। ये पाकिस्तान की एक बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन साइट है और इस्लामाबाद में तो अगर आप आए हो तो आपको लाजमी देखनी चाहिए। बिल्कुल, इधर एक रास्ता है नीचे, जो नीचे की तरफ जाता है ऊपर मस्जिद के पास आके ना, तो जहाँ जहाँ पे जाके आप वजू करके नमाज वगैरह पढ़ सकते हो। वजू के लिए प्रॉपर जगह का इंतजाम बनाया गया है जो कि ज़बरदस्त लग रहा है, और ये उसका रास्ता है। जब भी आपने आप आना हो तो मस्जिद में ऊपर वाले हिस्से से नीचे आएंगे या श्योर, तो आपने इधर आके तो यहाँ पर आके आपने वजू वगैरह कर लेना है। ये वजू की जगह है, ये देख लें। डू विज़िट फैसल मस्जिद, माशाल्लाह कितना माशाल्लाह खूबसूरती से बनाया गया है, एक एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है। तो ये है जी वज़ू करने की जगह, पूरा हॉल बनाया गया है लेडीज़ जेंट्स सब के लिए। कैसी लगी सर जी जगह आपको? अमेजिंग। चले वो हम बाद में एंड पे अपने रिव्यूज़ देंगे, ये वज़ू की दुआ भी यहाँ पर लिखी गई है। तो चलिए हम वज़ू करके तब तक हम नमाज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। गाइस ये मस्जिद के इंटर होते ही अंदर के कुछ मनाजिर हैं। यहाँ पे इमामत होती है, ये इमाम की जगह है, और यहाँ पे ये सारे जमाती नमाज पढ़ने वाले अफराद इधर जमात बनाते हैं। ये देखें कितने सलीके से खूबसूरती से एक एक चीज़ को तरतीब दिया गया है, और अंदर का माहौल बहुत ठंडा रहता है क्योंकि काफ़ी सारे चिलर्स लगे हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ बीच में एक फ़ानूस है जो अभी ऑफ हुआ, वही आप देख सकते हो ये फ़ानूस है, ये ऑन होता है और इतना खूबसूरत मंजर पेश करता है। ये सिर्फ नमाज के टाइम पे होता है, अभी हमने बस नमाज़ पढ़ी है इसकी, और बस मैंने सोचा कि इसका अंदर का एक शॉट ले लेना चाहिए। एक एक चीज़ पे माशाल्लाह इतनी खूबसूरती से काम किया गया ना कि आपकी सोच है, मतलब इंसानी सोच तंग रह जाती है कि उस टाइम पर इंसानों का दिमाग इतना काम करता था तो अब की क्या ही बात होगी। तो आपको अंदर का मंजर किस तरह का लगा ज़रूर बताएं। और यहाँ पे काफ़ी सारी इश्यूज हैं, वो तो चलो मैं अभी आपको मज़ीद बताता हूँ। ये इस जगह पे भी बड़ा खूबसूरत निज़ाम बनाया गया, फाउंटेन्स हैं जो अनफॉर्चुनेटली बंद हुए पड़े हैं क्योंकि मेंटेनेंस और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही। ये फैसल मस्जिद इस कॉर्नर के बीच में बनाए गए हैं, इतने खूबसूरत हैं, अगर ये चल रहे होते तो क्या ही और दिलकश मंजर होता। यहाँ अब ये सिर्फ बच्चों के खेलने की जगह ही बाकी रह गई है। ये मस्जिद की बैक साइड है जिसके पीछे आपको ये पहाड़ दिखते हैं। अभी क्योंकि मगरिब के बाद का टाइम हो गया है तो इनका बहुत अच्छा व्यू नहीं मैं कैप्चर कर सका, अगर ज़िंदगी ने मौका दिया तो इंशाल्लाह अगेन इसका दोबारा बहुत अच्छा व्यू हम कैप्चर करेंगे। और ये वो मीनार है जो आपको दिखता है नाज़ लाज़मी। यहाँ के कुछ ऊपर से जो नीचे फाउंटेन का मंज़र दिखता है, अगर ये चल रहे हो तो खुदा रहा ये बहुत खूबसूरत और दिलकश हो जाए। और ये नाइट का कुछ मंजर है फैसल मास्क का, लोड शेडिंग की वजह से लाइटनिंग कम है लेकिन ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत डिसेंट सा इमेज दे रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। लोगों का बे इंतहा का रश, इस रश को देख के सिर्फ एक शेर याद आता है,
मस्जिद तो बना दी पल भर में ईमां की हरारत वालों ने, दिल अब भी पुराना पापी है बरसों का नमाजी बन ना सका। तो इनमें से जितने लोग आपको दिख रहे हैं ना, इनमें से आधे को लोगों ने नमाज पढ़ी होगी नहीं पढ़ी आधे नहीं 80% लोग हैं नमाज। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे, नमाजें पूरी करने की तौफीक दे। पढ़ी है ना, बहुत सारे ने अपने वीडियो का तत्कड़ा करके नमाज तो कबूल ही नहीं हुई। अस्तगफिरुल्लाह अलअज़ीम। ये इसके यहाँ के कुछ रात के मनाजिर हैं, मैं और भी दूर से इसको ऐड करने की कोशिश करता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे से आ जाए। तो भाई क्या आपको इसमें ऐसा लगा, क्या आपको अच्छा लगा, क्या बुरा लगा? यार रिव्यूज पे आते हैं। मैं अगर बताऊँ ना तो यार कि जो जो बिल्डिंग बनाई है ना उसने इतना खर्चा किया है इन पर, बहुत अमेजिंग बनाई हुई, इतनी एक्सपेंसिव, लेकिन यहाँ की मैनेजमेंट ही कोई नहीं है, सारी गंदगी पिलाई हुई इन लोगों ने, कोई मैनेजमेंट नहीं। यहाँ पे हमें जो पॉइंट लगा, एक तो जो वजू वाली जगह है उधर टाइल्स वगैरह इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा मैनेज करना चाहिए, उसको नीट एंड क्लीन रखना चाहिए क्योंकि इट्स आवर टूरिस्ट प्लेस। बहुत से लोग बाहर से आते हैं, वो क्या इंप्रेशन लेके जाएंगे कि इधर क्या मतलब आप लोग कर रहे हो, किस तरह की सफाई कर रहे हो, एक आउट ऑफ कंट्री किंग ने आपको इतना अच्छा तोहफा दिया आप उसके साथ क्या कर रहे हो। सेकेंडली यहाँ पे जो फैमिलीज का सिस्टम है उसमें ख़वातीन के लिए थोड़ा अलग पोर्शन बनाना चाहिए क्योंकि इससे मस्जिद की भी मतलब एक मस्जिद है, अल्लाह का घर है, उसको इस चीज़ का सवाब हो रहा होगा। वो किंग फैसल इस दुनिया से चला गया, उसको इसका सवाब हो रहा होगा जितने लोग नमाज अदा करेंगे। अगर इस चीज़ को अच्छे से मैनेज किया जाए, थोड़ा चीज़ों को स्मूथ लाइन किया जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे कपल इस तरह से फिर रहे हैं, मतलब अजीब किस्म का वो केओस सा क्रिएट किया हुआ है। तो बस हमें ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तीसरी मैं बताता हूँ, यहाँ पर मैंने एक कॉर्नर को देखा, वो जा रहा था तो वो भिखारी उनके पीछे ऐसे लगे हुए। हाँ जी, हमारे पाकिस्तानी कोई मौका नहीं छोड़ते कि एक फॉरेनर बेचारा हमने हमें दिखा, अंकल थे वो बूढ़े से, तो उनके पीछे छोटे बच्चे इस तरह से मांग रहे हैं उनसे, मतलब हमने कहीं पे कोई अपने मुल्क का इमेज रहने नहीं देना, अपने मुल्क में, बाहर के मुल्क में, इधर। तो खुदारा कुछ रहम करें, अपने मुल्क की शान आन बान का कुछ ख्याल करें ताकि ये मुल्क का अच्छा इंप्रेशन पड़े लोगों पर, हम खुद को अच्छा करें फिर ही मुल्क अच्छा होगा। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।